यहाँ व्लॉग में भी डाल दूंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने नाश्ते में क्या बनाया है तो मैं अभी बताती हूँ कि आज मैंने नाश्ते में बनाया है हांडवा, क्योंकि घर पे लौकी था तो इसलिए मैंने सोचा कि हांडवा बना लेती हूँ। और लौकी डालने से हांडवा बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है, लेकिन हांडवा मैं अभी खा चुकी हूँ और अभी है भी नहीं, वरना आप लोगों को ज़रूर दिखा दी। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और अभी चेतन और नक्श दोनों चले गए हैं डॉलर ट्री, और वो आपस आने के बाद दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर आए हैं। ऑब्वियसली नक्श गया है तो कुछ ना कुछ टॉयस लेके तो ज़रूर आएगा, क्योंकि वो बिना टॉयस के तो घर आने वाला ही है ही नहीं। चलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा काम भी है तो वो पूरा कर देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। और अभी नक्श आ गया है बाहर से, और देखो ये सारा फैला दिया है सब कुछ, क्योंकि वो जब तक फैलाएगा नहीं ना, तब तक उसको खेलने का मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पे बेबी खा रहा है अभी ककड़ी, वाव। और ये क्या लेके आए हो आप? ओ नो, आप क्या लेके आए डॉलर ट्री से? वो टेडी दिखा, वो छुपा दिया। ओ माय गॉड, छुपा दिया। ओके चलो, आप पहले अपनी ककड़ी फिनिश कर लो, फिर हम खेलते हैं, ठीक है? ओके आज नक्श गया था ना, तो मैंने ये वाले टिश्यू मंगवाए थे और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और अभी नक्श को 2-3 दिन से नाक से पानी बह रहा है ना, तो मैंने इसलिए ये वाले टिश्यू यूज़ कर रही हूँ। तो इसको पोंछने से, नाक साफ करने से वो ना उसको दर्द भी नहीं होगा और वो अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाले टिश्यू यूज़ करती हूँ। तो यही टिश्यू लेने के लिए मैंने उसको भेजा था डॉलर ट्री। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है, लेकिन खाने में मैं क्या बनाऊँगी सोच रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी नक्श को सुला दिया है रूम में, और अभी मैं फ्री थी तो अभी एक कैंडी भी खा गई हूँ। और यहाँ पे एक कैंडी की प्राइस है $3, यानी कि ₹240 फॉर वन कैंडी। और आज मुझे कैंडी खाने का मन इसलिए हुआ कि बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो मैंने सोचा कि चलो ना थोड़ी देर में मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने कैंडी खा लिया। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग हर रोज़ की तरह आज भी बाहर निकल गए हैं नक्श को लेके, और आज मैं जाने वाली हूँ स्टोर पे और दिखाती हूँ कि स्टोर कैसा होता है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी रेडी हैं ना हमारे साथ, और व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहना आप लोग। और आज सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा सन था, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। आज पता नहीं चल रहा है कि विंटर चल रहा है या समर। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ, लेकिन उसके 2 मिनट कभी भी ख़त्म नहीं होते। जब भी बोलती हूँ कि मैं बार उसका वेट कर रही हूँ, फिर भी वो मुझे ऐसा बोलती है प्लीज़ 2 मिनट 2 मिनट, तो पता नहीं उसका 2 मिनट कब ख़त्म होगा। और आज जब वो आएगी तब मैं उसे पूछती हूँ कि कब तुम्हारे 2 मिनट ख़त्म होते हैं, भाई बता दो मुझे भी। व्लॉग में भी डाल दूंगी कि ये लड़की के 2 मिनट कभी ख़त्म ही नहीं होते, सच में कब ख़त्म हो गए। मैं आई थिंक 7 मिनट से ना इसका वेट कर रही थी, हर रोज़ मुझे ऐसा बोलती है कि 2 मिनट। तुम पहले नहीं बोल सकती हो क्या? सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी हम लोग तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बिरयानी के जैसा पुलाव कैसे बनाना है, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स रेडी हो जाइए, और उसमें आज बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारी सब्जियाँ ऐड होती हैं, और खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा, जैसे आपको फील होगा कि आप बिरयानी खा रहे हो। तो मैंने तो बहुत बार खाया है, और मैं कई बार बहुत बार घर पे भी बनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने काट के रख दी है, कैरेट, मटर, टमाटर, पोटैटो, फ्लावर, कैप्सिकम, प्याज, और ये है पीनट। पीनट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे है, और यहाँ पे है गार्लिक और जिंजर। तो इन सबको मुझे अभी यहाँ पे अभी मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा बटर,
और थोड़ा सा ऑयल दोनों मिक्स करके इसमें इन सबको भी सोटे करना है थोड़े टाइम के लिए। मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला बटर और इसमें एक खड़े मसाले जाएंगे, बड़ी इलायची है और ये इसका नाम तो मुझे नहीं पता है और ये बेलीफ है। और ये रहा मेरा बटर, इसमें से जो भी चाहिए वो सारा सामान यूज़ किया जाएगा, लेकिन खुशबू अभी बहुत ही अच्छी आ रही है बटर की। और आप जब ऐसे राइस बना रहे हो ना, तब अब इसमें अगर बड़ी इलायची ऐड करते हो तो उसका टेस्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसकी जो खुशबू आती है ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसलिए अगर किसी को नहीं खाने का मन हुआ ना फिर भी वो खाने लगता है और फिर इतना खाते हैं कि आपका मन भर जाएगा, फिर भी आप खाते ही रहोगे, तो इतना टेस्टी पुलाव बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं पहले तड़का लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने राइस को भी भिगा के रख दिया है, क्योंकि 5-10 मिनट अगर रहेंगे तो अच्छे से वो भी खिल जाएंगे। और इसमें मैंने एक एक करके सारी सब्जियाँ डाल दी है और इतनी मस्त खुशबू आ रही है ना, अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। और कलर में आपको कैसा दिख रहा है? कलर में मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हम लोग तीखा खाना नहीं खाते हैं और बेबी को भी खाना होता है, तो इसलिए मैं मिर्ची का यूज़ नहीं करती हूँ और ग्रीन मिर्ची तो बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ। अगर मुझे खानी है, अगर मुझे अकेले कोई तीखा खाना है तो मिर्ची अलग से मैं फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है और नक्श और चेतन दोनों तीखा बिल्कुल खाना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए मैं अलग से अपना सोच लेती हूँ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और 5-7 मिनट के बाद अभी मैंने इसमें राइस को भी ऐड कर दिया है। सो अभी तो मैंने ये सब डाल दिया है, लेकिन इसमें भी अभी मैं एक सीक्रेट मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो मैं क्या डाल रही हूँ। तो ये है मैगी का मसाला, और आप कोई भी पुलाव बना रहे हो तो इसमें अगर मैगी का मसाला यूज़ करते हो ना तो उसमें और भी ज़्यादा स्वाद आता है। सो मैंने ये वाला मैगी मसाला यूज़ किया है। तो बस थोड़ी देर में हमारे बिरयानी जैसे पुलाव रेडी हो जाएंगे, लेकिन मुझे बिरयानी जैसे पुलाव नहीं, लेकिन मुझे बिरयानी लगता है खाने में, क्योंकि उसका टेस्ट ही ऐसा आता है। और उसके ऊपर जब बन जाए उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन वो सब डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट आता है। अभी तो मैंने बिरयानी तो बना दी, लेकिन उसके साथ मुझे कुछ करी भी चाहिए, तो आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ और करी में क्या बना रही हूँ तो वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। फ्लावर, ब्रोकली, कैप्सिकम, इन्हें अभी पनीर मैंने अभी जस्ट बनाया है, और इसमें मैंने ले लिए है उबले हुए टोमेटो, तो इसका मैंने छिलका निकाल दिया है कि जब उबालते हो तो अपने आप निकल जाता है वो, तो इसका मैं अभी पेस्ट बना लूँगी और इसको मुझे घी में थोड़ा सा रोस्ट करना है। और यहाँ पे मेरी करी बन के रेडी हो गई है। इसमें मैंने दूध का भी यूज़ किया है, थोड़ा सा 1 स्पून मैदा और टोमेटो की प्यूरी। यहाँ पे बनके रेडी है मेरी बिरयानी, मेरे पुलाव, सब कुछ बोला तो यही है, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और अभी धुएं निकल रहे हैं। सो यहाँ पे मेरा डिनर बनके रेडी हो गया, ये है करी, ये है पुलाव बिरयानी और ये है मिल्क, तो हमारा डिनर में आज यही रहेगा। और थोड़ी देर में चेतन आ रहे है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है तो अभी मैं भगवान को दिया जला लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाय बेबी, वो देखो नक्श यहाँ पे क्या खेल रहा है, बस, और उसके पीछे क्या है? वाव। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम खाना खा के डिनर करके फ्री हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अब व्लॉग का एंडिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज डिनर बहुत ही अच्छा बना था और हमने सब लोगों बहुत अच्छे से डिनर एंजॉय किया है। वैसे रोज़ अच्छा ही होता है हमारा खाना, बट आज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था तो मज़ा आ गया। चलिए अब एंडिंग भी कर देते हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए आप लोग। एंड मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। गुड नाइट, नाइट, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, टाटा, टाटा, बाय बाय, बाय बाय एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच, सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, वॉचिंग माई व्लॉग, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।